नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरों का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार देर रात नई दिल्ली से 5 दिवसीय विदेश यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें, सबसे पहले वो G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली पहुंचेंगे। ये सम्मेलन इटली में आयोजित किया जा रहा है और इस बैठक में वो G20 के नेताओं के साथ महामारी और विकास, जलवायु परिवर्तन समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी 30 से 31 अक्टूबर तक रोम में रहेंगे। वहां होने वाले 16वें G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके बाद इटली में प्रधानमंत्री मारियो ड्रेगरी के निमंत्रण पर पीएम मोदी इटली पहुंच रहे हैं। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बैठक होगी और आपसी संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने पर बातचीत भी संभव है। बैठक के दौरान आतंकवाद को रोकने और आपसी व्यापार को बढ़ावा देने पर भी चर्चा संभव है। ऐसे में रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि मैं रोम में आयोजित 16वें G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए जा रहा हूं। उन्होंने बताया कि G20 नेताओं के साथ महामारी और विकास के अलावा जलवायु परिवर्तन से होने वाले नफा नुकसान पर भी चर्चा हो सकती है। पीएम ने कहा कि दौरे के दौरान रोम और वेटिकन सिटी का भी दौरा करूंगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बुलावे पर 1 से लेकर 2 नवंबर तक ग्लासगो में भी रहूंगा। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि G20 सम्मेलन में इस बार इकोनॉमिक और हेल्थ रिकवरी पर केंद्रित ये होगा। इसके अलावा विदेश सचिव ने ये भी बताया कि जलवायु परिवर्तन पर भी G20 सम्मेलन में चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत ने G20 मंच का प्रभावी वैश्विक संवाद के लिए बेहतर उपयोग भी किया है। तो ऐसे में पीएम मोदी 5 दिन के लिए इटली ब्रिटेन के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। G20 की बैठक में वो शामिल होने के लिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। तमाम पार्टियां अपने चुनावी अभियान में जोर से जुटी हुई हैं। इसी बीच आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी के विजय के मिशन पर राजधानी लखनऊ पहुंच रहे हैं। अमित शाह यहां बीजेपी सदस्यता अभियान को हरी झंडी दिखाएंगे और चुनाव को लेकर पार्टी के आला पदाधिकारियों के साथ मंथन भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज बता दें लखनऊ में प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में संभावित उम्मीदवारों को लेकर किए गए आंतरिक सर्वे पर भी चर्चा होगी, जिसके आधार पर आगे उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। अमित शाह के सामने एक बार फिर यूपी में बीजेपी की जीत का रोडमैप बनाने की बहुत बड़ी चुनौती है। ये काम उन्होंने शुरू कर दिया है। अपने पिछले दौरे में शाह ने मिर्जापुर में विद्यांचल कॉरिडोर का शिलान्यास किया था। इस बार के दौरे में उन्हें यूपी विजय की नींव भी रखनी है। 5 सालों में यूपी में हालात बहुत बदल चुके हैं। चुनावी राजनीति के खेल और उसके नियम भी बदल चुके हैं। पिछली बार आपको बता दें, अखिलेश सरकार के खिलाफ लोगों ने बीजेपी को झोली भर कर वोट दिए थे। इस बार बीजेपी को अपने काम के नाम पर वोट मांगना है। हिंदुत्व का एजेंडा अलग है और जातियों का समीकरण भी अलग है। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर ने भी बीजेपी के साथ छोड़ दिया है, तो संजय निषाद भी पार्टी की एंट्री अब NDA में हो चुकी है। तो आज से मिशन 2022 के तैयारियों में पूरी तरह से अमित शाह जुट गए हैं। लखनऊ वो पहुंच रहे हैं, जहां पर आज लखनऊ दौरे पर रहेंगे और ऐसे में बीजेपी के सदस्यता अभियान को हरी झंडी भी दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। ऐसे में कांग्रेस महासचिव प्रियंका लगातार उत्तर प्रदेश में दौरे कर पार्टी को मजबूत स्थिति में लाने की कोशिश कर रही हैं। वहीं प्रियंका गांधी को गुरुवार शाम लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर कुलियों से बातचीत करते हुए भी देखा गया। बातचीत के दौरान कुलियों ने वाड्रा को अपनी आजीविका से संबंधित समस्याओं और COVID-19 महामारी के दौरान उनके सामने आए आर्थिक संकट के बारे में भी बताया। प्रियंका गांधी वर्तमान उत्तर प्रदेश की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव हैं। फिलहाल प्रियंका गांधी वाड्रा ललितपुर के लिए रवाना हो चुकी हैं। आपको बता दें, प्रियंका गांधी आज उत्तर प्रदेश के ललितपुर के दौरे पर रहेंगी। वहां से वो किसान परिवारों में जाकर उनसे मुलाकात करेंगी। प्रियंका किसान परिवारों से मुलाकात कर खाद की किल्लत का मुद्दा उठाने की कोशिश करेंगी। ऐसे में ललितपुर में किसान का कथित तौर पर खाद के लिए लगी लाइन में मौत हो गई थी। प्रियंका मृतक किसान के परिजनों से भी मिलेंगी। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका
गांधी हाल ही में मारे गए किसानों के परिवारों से मिलने के लिए बुंदेलखंड के ललितपुर जाएंगी। तो ऐसे में प्रियंका गांधी भी पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी हैं, ये तस्वीरें देख रहे हैं लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन की, जहां पर कुलियों से प्रियंका गांधी ने बातचीत की। हालांकि उनकी आजीविका के बारे में भी जाना और कोविड-19 में जो भी समस्याएं आई थी उनके बारे में भी उनसे बातचीत की। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने गुरुवार को बड़ी घोषणा कर दी है। इस घोषणा में फेसबुक का नाम बदलकर मेटा कर दिया गया है। कंपनी ने कनेक्ट इवेंट में इस बात की घोषणा की। इस दौरान फेसबुक की ओर से ट्विटर पर लिखा गया कि फेसबुक का नया नाम मेटा होगा। मेटा मेटावर्स बनाने में मदद करेगा, एक ऐसी जगह जहाँ हम खुलेंगे और 3D तकनीक के जरिए एक दूसरे से जुड़ेंगे। सामाजिक जुड़ाव के अगले चैप्टर में आपका स्वागत है। फेसबुक की ओर से 15 सेकंड का एक वीडियो भी जारी किया गया है, जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, जिसमें ये दिखाया गया है कि फेसबुक का नाम बदलकर अब मेटा कर दिया गया है। इस वीडियो में मेटा का लोगो भी जारी किया गया है और वर्टिकल आर्ट के तर्ज पर मेटा का लोगो ब्लू कलर में जारी किया गया है। फेसबुक ने पिछले महीने अपने मेटावर्स तैयार करने को लेकर अपनी योजना के बारे में जानकारी दी थी। आपको बता दें कि मेटावर्स शब्द का प्रयोग डिजिटल दुनिया में वर्चुअल इंटरैक्टिव रिस्पॉन्स को जानने और समझने के लिए किया जाता है। बता दें कि मेटावर्स एक वर्चुअल वर्ल्ड है जहां पर इंसान शारीरिक तौर पर मौजूद नहीं होते हुए भी मौजूद रह सकता है। इससे पहले फेसबुक की ओर से घोषणा की गई थी कि सोशल नेटवर्क को मेटावर्स बनाने के लिए हजारों कर्मचारियों की जरूरत होगी। इसके लिए फेसबुक की ओर से ऐलान किया गया था कि 10,000 लोगों को नौकरी पर रखा जाएगा और नए मेटावर्स में फेसबुक वर्चुअल एंड रियलिटी का इस्तेमाल भी करेगा और वर्चुअल एक्सपीरियंस का भी एक नया चैप्टर शुरू करेगा। तो मार्क जुकरबर्ग की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है, फेसबुक को लेकर यह बड़ा ऐलान किया है और फेसबुक का नाम बदलकर मेटा रख दिया गया है। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के नेता चुनावी यात्रा निकालकर वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रत्येक पार्टी द्वारा आए दिन कोई ना कोई यात्रा निकाली जा रही है। इस चुनावी यात्रा के तहत प्रगति समाजवादी पार्टी की यात्रा बिजनौर के रामलीला मैदान पहुंची, जहां पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी अध्यक्ष शिवपाल यादव का जोरदार नारों के साथ स्वागत किया। शिवपाल यादव ने भी कार्यकर्ताओं का उल्लास देखते हुए खुश वो नजर आए। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा बिजनौर के रामलीला मैदान पर पहुंची है, जहां पर जमा कार्यकर्ताओं ने इस रथ यात्रा का स्वागत करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव का नारेबाजी कर स्वागत किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने जनता का आभार जताते हुए बताया कि ये रथ यात्रा अयोध्या की नगरी पर जाकर खत्म होगी। हमने अब तक आते यूपी की यात्रा कर ली है। आने वाले विधानसभा चुनाव में अब की बार प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का एक बड़े राजनीतिक दल से गठबंधन होने जा रहा है, साथ ही छोटे दलों से भी पार्टी का गठबंधन होगा। अखिलेश से गठबंधन करने के सवाल पर शिवपाल यादव ने कहा कि अभी समय आने पर गठबंधन का खुलासा किया जाएगा। प्रदेश सरकार पर बरसते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि ये झूठों की सरकार है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपने पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हरदोई पहुंचे। उन्होंने वहां पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नंबर एक सीएम होने का दर्जा दिया और कहा कि यूपी की बदहाल व्यवस्था को ठीक करने और पटरी पर लाने में उनका अहम योगदान रहा है। जनता एक बार फिर यूपी में बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनाएगी। उन्होंने कहा कि देश के जितने भी मुख्यमंत्री हैं और जिस चुनौती के साथ बिगड़ी व्यवस्था को ठीक करने में योगी आदित्य आदित्यनाथ ने सफलता पाई है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नंबर एक मुख्यमंत्री हैं। और उसी में कार्यक्रम बना कि अयोध्या जाना है और रामलीला के दर्शन करना है और यहाँ भी काफी दिनों से परिवार के हमारे मिसेज का खास तौर से जब काफी गंभीर रूप से भर्ती थी
वेदांता में उस समय से उसके मन में था, जो प्रसिद्ध तीर्थ है आपके क्षेत्र में निमिषारण्य जी, निमिषारण्य वहाँ के दर्शन करने, तो ये भी एक कार्यक्रम का हिस्सा था। और विधायक जी और प्रमुख कार्यकर्ताओं से चुनाव के पहले और जो तैयारी चल रही है, एक सौजन्य भेंट बाकी लोगों से करने का था। कल अयोध्या के जाऊँगा रामलला के दर्शन के लिए, कोई बहुत अभी राजनीतिक दृष्टि से अन्य कार्यक्रम में नहीं आया हूँ, पारिवारिक कार्यक्रम और दूसरे कार्यक्रम में आया हूँ। और मुझे अच्छा लग रहा है कि जिस प्रकार का वातावरण मैं दो दिन में उत्तर प्रदेश में देख रहा हूँ, कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूँ, मीडिया के साथियों से मिला। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश में अभी सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाकर जनता को लुभाने में लगी हुई हैं, पर बीजेपी अपने उन्हीं लोगों के साथ रखना चाहती है जिन्होंने 2017 में बीजेपी का साथ दिया था। कानपुर देहात में नायक समाज की धमाका महारैली के आयोजन की तैयारी जोरों पर की जा रही है। ये कार्यक्रम लखी शाह बंजारा नायक समाज सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश ने धमाका महारैली का आयोजन किया और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। साथ ही आपको बता दें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य भी वहां पर मौजूद रहेंगे। कहा जा रहा है कि सपा से मुलाकात करने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने कानपुर देहात की सिकंदरा विधानसभा में अधिकार सम्मेलन कर यहाँ के अति पिछड़ा अति दलित वर्ग के वोटरों को लुभाने का प्रयास किया था और उन्हें अपने साथ होने का गठबंधन पर ध्यान देने की बात कही थी। आपको बता दें कि सपा अपने इतिहास में एक बार फिर सिकंदरा विधानसभा सीट नहीं जीत पाई, यही वजह रही थी कि वहां पिछड़ा वोट ज्यादा होने पर भी राजभर ने यहां सभा की थी। बंजारा नायक समाज की धमाका महारैली नुमाइश मैदान सिकंदरा में रखा गया है और उस रैली में प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी और कैबिनेट मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी और गुलबर्रा के कर्नाटक के सांसद हमारे उमेश यादव बंजारा जी, ऐसे कई गणमान्य लोग आ रहे हैं और आपके इसी क्षेत्र के विधायक और मंत्री आदरणीय अजीत पाल जी भी उपस्थित रहेंगे, आपके इटावा के सांसद भी रहेंगे, कई सारे लोग उपस्थित रहेंगे और बहुत बड़े स्तर की रैली है। किस उद्देश्य को लेकर के आपने ये उद्देश्य हमारा है बंजारा नायक समाज जो है 2022 को चुनाव को लेकर। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने पार्टी कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उत्तराखंड की दुर्दशा के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही बराबर की जिम्मेदार हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री आज जो घोषणाएं कर रहे हैं वो केवल कोरी घोषणाएं हैं, क्योंकि चुनाव से ठीक 100 दिन पहले जो घोषणाएं की जा रही है वो केवल जनता को मूर्ख बनाने के लिए की जा रही है, ना कि विकास के उद्देश्य से। मोहनिया ने कहा कि प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर आम आदमी पार्टी 31 अक्टूबर को प्रदेश के सभी 70 विधायकों के यहां जाएगी और उनसे किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा मांगेगी। यदि उन्होंने विकास की जानकारी नहीं दी तो फिर पार्टी जनता के बीच जाकर जनता को अवगत कराएगी कि उनके विधायकों ने विकास के नाम पर क्या किया है। मोहनिया ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को खुली चुनौती दी कि वो बीजेपी कार्यालय में अब तक हुए केवल 5 काम बता दें। उन्होंने कहा कि केवल आम आदमी पार्टी ही विकास की बात करती है और काम करने की राजनीति करती है। हम जब से उत्तराखंड में आए हैं तब से केवल काम करने की राजनीति की बात कर रहे हैं और उसी का परिणाम है कि उत्तराखंड की जनता आज आम आदमी पार्टी के साथ उठ खड़ी हुई है। प्रदेश के सभी कार्यकर्ता 5555 के फॉर्मूले पे काम करें और 5 काम केंद्र सरकार के, 5 काम राज्य सरकार के और 5 काम जो है विधायक के, वो जाके जनता को बताएं। हमारा ये मानना है कि इस बात का स्वागत होना चाहिए कि कम से कम मुख्यमंत्री जी बताने को तैयार हुए कि उन्होंने क्या काम किया है, क्योंकि अभी तक पिछले 5 सालों में केवल घोषणाएं हुई हैं, काम तो कुछ हुआ नहीं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अब 31 अक्टूबर को सारे की सारे विधायकों के घर कार्यालय जाएंगे और उनसे 5 साल का हिसाब मांगेंगे उन्होंने क्या काम किया है, वो 5 काम हमें गिना दीजिए।
ड्रग्स केस के आरोप में फंसे आर्यन खान आज जेल से रिहा हो सकते हैं। 25 दिन के बाद इंतजार के बाद आज आर्यन खान जेल से बाहर आ सकते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेजा को जमानत मिल चुकी है। हाई कोर्ट में आर्यन खान की पैरवी के लिए जाने माने वकील मुकुल रोहतगी ने अपना पक्ष रखा। वहीं एनसीबी की ओर से जमानत याचिका को खारिज कर बेल न देने की एजेंसी के वकीलों ने जोरदार पैरवी की। दोनों ओर से दलीलों को सुनने के बाद आखिर में अदालत ने आर्यन समेत उनके दोस्तों को जमानत का आदेश दे दिया। जमानत देने के साथ ही हाईकोर्ट ने कुछ शर्तें भी जोड़ी हैं। शर्तों के मुताबिक अदालत ने कहा है कि इस केस के किसी दूसरे आरोपी से आर्यन खान कांटेक्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा स्पेशल कोर्ट की कार्रवाई को प्रभावित करने की भी कोशिश नहीं करेंगे। जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि आर्यन खान को अपना पासपोर्ट स्पेशल कोर्ट में जमा करवाने होंगे और मीडिया में बयानबाजी नहीं करेंगे। जमानत के दौरान सुनवाई में कहा गया कि आर्यन खान कोर्ट की इजाजत के बगैर देश नहीं छोड़ेंगे। इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर उन्हें ग्रेटर मुंबई में भी बाहर निकलते हैं तो इसकी जानकारी इस केस की जांच में जुटे अधिकारियों को पहले देनी होगी। इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर वो शर्तों को नहीं मानते तो उनकी जमानत को रद्द कर दिया जाएगा। तो आज करीब 25 दिनों के बाद आर्यन खान जेल से तो बाहर आ जाएंगे, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से जो शर्तें रखी गई हैं उनको मानना भी आर्यन खान के लिए बेहद ज़रूरी होगा। और अगर हाईकोर्ट की तरफ से दी गई शर्तों को आर्यन खान ने नहीं माना तो उनकी जमानत को रद्द भी किया जा सकता है। बाराबंकी जिले में शासन के निर्देश पर भव्य दिवाली मेला का शुभारंभ हो चुका है। ये आयोजन जिले में 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक किया जाएगा और 3 दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बीजेपी सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। मेले का नोडल ईओ नगर पालिका और पीओ डूडा को बनाया गया है। इस मेले का आयोजन शहर के GCI ऑडिटोरियम में किया गया है। आपको बता दें योगी सरकार ने प्रदेश भर में पहली बार दीपावली मेले का आयोजन कर रही है ताकि पटरी पर दुकानदारों को एक स्थान और दीपावली के सजावटी सामान को बेचने का स्थान देकर उनके रोजगार को समृद्ध किया जा सके। साथ ही लोगों को दीपावली के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों और कई प्रकार के मनोरंजन के साधनों के जरिए पर्व की खुशी मनाने का भी मौका मिल सके। इस उद्देश्य के साथ बाराबंकी जिले के GIC ऑडिटोरियम में दीपावली मेले की शुरुआत हो चुकी है। इस मेले में 3 दिवसीय 28, 29 और 30 अक्टूबर को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं आपको बता दें मेला परिसर में चाट और फास्ट फूड बाजार भी लगाए गए हैं और मेले में आने वाले लोगों और बच्चे चाट का लुत्फ उठा भी सकेंगे। इसके साथ ही कपड़ा, कॉस्मेटिक, बैग, हैंडीकैम और खिलौने की दुकानें भी मेले में लगाई गई हैं। ऐसे में मेले में समस्त विभागों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। मेले के दौरान ये लोग योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। साथ ही सभी बैंक अपने स्टॉल पर आने वाले शिकायतों का समाधान करेंगे और योजनाओं का लाभ भी देंगे। देखिए, ये दीपोत्सव जो प्रत्येक जनपद में शासन के निर्देशों के क्रम में आज से उसका शुभारंभ हो रहा है, ये 3 नवंबर तक चलेगा हमारे जनपद में। इसमें विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और एक मुख्य उद्देश्य इसका ये है कि एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जो विशेषकर हमारे शहरी क्षेत्र। तो आपको बता दें बाराबंकी में दीपावली मेले में रोशन होंगी योजनाएं। शासन के निर्देश पर दीपावली मेले का आयोजन किया गया है, शुभारंभ हो चुका है और 28 अक्टूबर से इस मेले की शुरुआत हुई जो 3 नवंबर तक चलेगा और मेले में कई तरह के स्टॉल लगाए जाएंगे। साथ ही लोगों के हर सुविधा की चीज़ वहां पर उपलब्ध होगी ताकि रोजगार का तो अवसर लोगों को मिले ही, जो मेला घूमने आए उन लोगों को भी काफ़ी उत्साहित महसूस हो। उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में इस बार सभी नगर निगम और कुछ नगर पालिकाओं में दीपावली महोत्सव पर्व का आयोजन धूमधाम से किया जा रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने रामलीला मैदान में हो रहे नगर निगम और प्रशासन द्वारा दीपावली महोत्सव पर्व का उद्घाटन किया और मंच से सभी आगंतुकों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण करके अभिनंदन किया और प्रतियोगियों को
प्रसिद्ध पत्र भी सौंपे गए। आपको बता दें, दीपावली महोत्सव का पर्व उत्तर प्रदेश और मथुरा नगर निगम में पहली बार मनाया जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन और नगर निगम ने इसको सफल बनाने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी है। 6 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में दीपावली पर्व को देखते हुए ब्रजवासियों को लुभाने के लिए कई प्रकार के स्टॉल रखे गए। वहीं दूसरी ओर मनोरंजन और भोजन संध्या का भी प्रोग्राम रखा गया है। ऊर्जा मंत्री ने पहली बार हो रहे दिवाली महोत्सव की तैयारियों पर खुशी जाहिर करते हुए प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति स्थापित कर दी गई है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को इसका अनावरण करेंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केदारपुरी में 250 करोड़ की योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, उनका लोकार्पण होना बाकी है और 200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी होना है। तो ऐसे में केदारनाथ धाम पहुँच रहे हैं 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तैयारियों का लगातार जायजा ले रहे हैं। के मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से केदारपुरी का निर्माण हुआ है, पिछले सैकड़ों वर्षों में इस प्रकार की सोच, इस प्रकार का विजन पहले नहीं आया और उनके नेतृत्व में आज भव्य केदारपुरी का निर्माण हो रहा है। वहाँ पर लगभग 450 करोड़ की जो योजनाएँ हैं, जो लगभग 250 करोड़ की योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, उनका उस दिन लोकार्पण होने वाला है और लगभग 200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी होने वाला है। वहां पर भव्य शंकराचार्य जी की जो मूर्ति है उसका भी अनावरण होने वाला है और वो पूरे देश के अंदर जो हमारे जितने ज्योतिर्लिंग हैं, 4 जो शंकराचार्य के हमारे मठ हैं और साथ में जो शंकराचार्य की जन्मस्थली है और साथ में जितने शिवालय हैं, उन सभी को उस दिन हम इस योजना से जोड़ेंगे और उसका सीधा लाइव प्रसारण होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के प्रदेश में रिलॉन्च किया। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 3 से 6 साल के बच्चों को सप्ताह में 4 दिन विटामिन ए और डी फोर्टिफाइड फ्लेवर युक्त दूध उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना की शुरुआत से मौके पर महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रही। तो आपको बता दें, सीएम ने मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना को रिलॉन्च कर दिया है, जिसके तहत महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य इस कार्यक्रम में मौजूद रही। बच्चों को पूरी तरह से खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना के तहत अब रिलॉन्च कर दिया गया है इस योजना को और सभी का ध्यान रखा भी जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री आंचल योजना इसके तहत बच्चों को सप्ताह में 4 दिन अब लगातार जो पोषक और मीठा दूध पिलाया जाएगा और ये आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से इन बच्चों को लगभग 20,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर ये दूध पिलाने की व्यवस्था होगी, जिससे 1,70,000 बच्चे सीधे सीधे इस योजना का लाभ उठाएंगे और वो हष्ट पुष्ट बनेंगे, उनको हर प्रकार के पोषक तत्व इस दूध से मिलेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री आंचल योजना इसके तहत बच्चों को सप्ताह में 4 दिन अब लगातार जो पोषक और मीठा दूध पिलाया जाएगा और ये आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से इन बच्चों को लगभग 20,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर ये दूध पिलाने की व्यवस्था होगी, जिससे 1,70,000 बच्चे सीधे सीधे इस योजना का लाभ उठाएंगे और वो हष्ट पुष्ट बनेंगे, उनको हर प्रकार के पोषक तत्व इस दूध से मिलेंगे। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग इंडिया में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।